लेकिन जहाँ हम अभी हैं ये फिर भी बहुत कंट्रोलेबल है अठारह महीने की हुकूमत में वज़ी अजम साहब ने नौ लाख सत्तर हज़ार नौकरियाँ बार मुल्कों में लोग भेजे हैं नौ लाख सत्तर हज़ार बंदा आ, तो नौ नाइन हंड्रेड एंड सेवेंटी थाउजेंड तो दस लाख बंदा बार गया है ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि 10 लाख बंदा 18 महीने में पाकिस्तान के बाहर जाते हुए उनको नौकरी मिली है तो अस्सी हज़ार का फिगर हमें इस तरीके से हिट नहीं करता लेकिन ये कोरोना है अवॉल्विंग सिचुएशन है और ये चेंज होती रहेगी और हर मुल्क कई मुल्क पाकिस्तान से भी ज़्यादा इकनॉमिकली हिट हुए हुए हैं तो उनके इकनॉमिक चांसिस के देखते हुए और भी नौकरियाँ जा सकती हैं पीएम की मेहरबानी से उनकी गुडविल की वजह से हमारे यूएई, सऊदी अरेबिया कतर मलेशिया इन सारे मुल्कों के साथ बड़े अच्छे तलक़ हैं इसलिए हमने इस 18 महीने में इतनी ज़्यादा हमने एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग बेसिकली नंबर आपको दिया है कि जो बाहर मुल्कों में एक्सपोर्ट हुआ है पाकिस्तानी इसलिए हम इस चीज़ में हम कोशिश भी कर रहे हैं कि इन जब कोरोना ख़त्म होगा नौकरियाँ खुलेंगी हम फिर से उसी रूटीन से वापस हर हफ्ते हर महीने आ, पचास से सत्तर हज़ार बंदा हर महीने भेजना शुरू कर दें ये हमारी पूरी कोशिश होगी इस वक्त में हमने जो अस्सी हज़ार बंदा जो हम वापस लेके आए हैं इसके साथ साथ हम चार सौ छः सौ डेड बॉडीज़ भी वापस रिपेट्रिएट पाकिस्तान में हमने की हैं अब तक हमारी कुछ 100 डेड बॉडीज़ अभी तक सऊदी अरेबिया में भी आ, रहती हैं इसके लिए भी हमने पी आई ए के साथ बात करके बंदोबस्त कर रहे हैं जो एयर स्पेस खोलने की जो बात हम करना चाह रहे हैं वो भी अभी हम कल तक इन पूरा फॉमूला बना देंगे और कुछ हमारी जो टोटल जो कैपेसिटी है उसका कुछ पच्चीस परसेंट पच्चीस फ़ीसद हम इनशा एयर स्पेस खोलेंगे उस पच्चीस फ़ीसद का कुछ सत्तर फ़ीसद हम सिर्फ जी सी सी यू ए सऊदी अरेबिया क़तर मलेशिया इन जगहों पे डालेंगे जहाँ हमारा लेबर फंसा हुआ है कि हम जल्द से जल्द उनके लिए उनको वापस लेके आए जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल कैबिनेट में आवाज़ उठाई और उनको बोला कि उनको फ़ौरन लेके आएँ तो सत्तर फीसद हमारी फ्लाइट्स और ख़ास तौर के पी आई ए की वो हम वापस उनको हम वापस लेके आएंगे दूसरी चीज़ ये है कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो मोद यूसुफ साहब ने बात की है कि पी एम साहब ने आपके लिए आवाज़ उठाई है कल दर्द दिल से बोला है कि आप लोग वापस आएँ और जल्द से जल्द आए लेकिन इस पर आप पे और हम पे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब आप लोग वापस आएं अगर आप अपनी चौदह दिन की सेल्फ क्वारंटीन घर पर नहीं करेंगे तो आप लोग तो आ जाएंगे जो पहले हफ्ते में आ जाएंगे लेकिन अगर हमें ए स्पेस फिर से बंद करनी पड़े क्योंकि ये अवॉल्विंग सिचुएशन है कुछ भी हो सकता है एक हफ्ते में तो फिर जो आपके जो भाई बहन जो बाहर आप ही के कॉलीग्स हैं जो बाहर काम करते हैं आप लोग उनको तकलीफ़ देंगे कि वो वापस नहीं आ सकेंगे उनको आप मायूस करेंगे अपने इस्पॉन्सिबिलिटी से तो प्लीज़ ये चौदह दिन की क्वारंटीन आप हर तरीके से करें और घर से ना निकलें सिर्फ उन चौदह दिनों में से अगर आपको घर से निकलना हो तो प्लीज़ तभी निकलें जब आपके पास सिम्टम्स हों और आपको हस्पताल जाना पड़े उसके अलावा आपको चौदह दिन घर से निकलने की इजाज़त नहीं है ये आपका मुल्क है हम चाहते हैं आप लोग वापस आएं लेकिन इन एस ओ पीज़ को आप फॉलो करते हुए जाएं तीसरी चीज़ मैं आप लोगों से ये बात करना चाहता हूँ कि आज आप लोग वापस आ रहे हैं इंशाल्लाह 20 तारीख के बाद हम पूरी एक हकूमत पाकिस्तान ओवरसीज़ की मिनिस्ट्री एक इंटीग्रेशन प्रोग्राम आपके लिए बना रहे हैं कि जब आप लोग वापस आएँ आप लोग रजिस्टर रजिस्टर करें ओ के वेबसाइट पे कि आप लोगों की नौकरी क्या थी आपका स्किल सेट क्या था मेसन थे ड्राइवर थे लेबर थे आ, जो भी आपके काम के जो फील्ड है वो आप हमें बताएं कि हम ओ में आपका पूरा हमारे पास डेटा हो जो हम जमा कर रहे हैं इससे क्या होगा कि हम इनशाला आपको इंक्लूड करेंगे एक तो एहसास प्रोग्राम से भी हम बात कर रहे हैं कि उसमें भी आप लोगों की इंक्लूजन हो एक वन ऑफ वेवर हमें मिले और आपको इंक्लूड करें आ, जो हमारा आ, जो हमारा हनरमंद पाकिस्तान प्रोग्राम है उसमें भी हम आपको इंक्लूड करें और जब दूसरे मुल्क के हालात बेहतर हों एयर स्पेस खुले तो आप लोगों को हम जल्द जल्द से जल्द वापस बाहर भेज सकें काम करने के लिए क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस भी होगा आप लोगों के पास एक्सपोजर भी होगा तो हम आपको हमारे पास एक पूरा डेटा बेस होगा उन लोगों का जो वापस आ चुके हैं जो लेड ऑफ़ हैं जो लोग मैं आप लोगों से फिर से ये गुजारिश करता हूँ कि जो लोग जिनको लीव मिली हुई है एक तो वो हैं जिनकी नौकरियाँ ख़त्म हो गई हैं एक वो लोग हैं जिनकी नौकरियाँ जिनके जहाँ वो काम करते हैं वो वो इस वक्त बंद हुए हुए हैं या फुल कैपेसिटी के पे काम नहीं कर रहे तो आपको लीव दी गई है कई को अनपेड लीव कई को पेड लीव मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि अगर आप लोगों को वापस आने की ज़्यादा मजबूरी नहीं है तो जहां आप हैं आप वहीं रहें बड़ा ज़रूरी है कि आप लोगों को समझने के लिए कि इकोनॉमीज़, लोकल इकोनॉमीज़ चाहे यू हो सऊदी अरेबिया हो कतर हो मलेशिया हो कोत हो बरेन हो ये आहिस्ता आहिस्ता खुल रही हैं तो अगर आप लोग वापस छुट्टियों के लिए वापस यहाँ आ जाए आपको लीव हो और वापस जाना चाहें हमें नहीं पता कि यू सऊदी अरबिया कतर वग़ैरह जो भी जिस मुल्क से आप लोग आ रहे हैं उनकी स्पेस कब खुलेगी तो हो सकता है कि आप लोग यहाँ फंस जाएँ और वापस अपनी नौकरियों में नहीं जा सकें तो ये आप लोगों के लिए और आपके खानदानों के लिए एक तकलीफ दे वक्त होगा तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सोच समझ के आप लोग वापस आएँ जिन लोगों को जिनकी नौकरियाँ टर्मिनेट हो गई हैं ख़त्म हो गई उनको पहला हफ्ते वापस आने के लिए हम प्राइस तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होंगी लेकिन पहले हफ्ते में जैसे मैंने बोला है पच्चीस फ़ीसद इनशा हम कोशिश करेंगे टोटल स्पेस खोलने की जब आप जब आप लोग वापस आएँ मैं फिर से आपसे कहता हूँ कि प्लीज़ रजिस्ट्रेशन कराएँ पूरी कोशिश करें कि कि आप लोग बताएं कि आप लोगों के क्या जॉब फैसिलिटी फैसिलिटीज़ थी मैं आप लोगों को एक और भी पाकिस्तानियों को ख़ास तौर पर एक और भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट की स्टेट बैंक की फाइनेंस मिनिस्ट्री की पी एम साहब की गुडविल बताता हूँ कि बीस अशरिया एक बिलियन अरब डॉलर पिछले मई मई में, में, में रेमिटेंसेज आई थी इस मई में, में कोरोना के होने के बावजूद भी बीस अरब अशरया छः अरब डॉलर पाकिस्तान में रेमिटेंस आई हैं तो एक, एक पॉइंट फाइव परसेंट इंक्रीज़ आया रेमिटेंस में डिक्रीज नहीं आया हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम हम कोशिश करें कि हमारी रेमिटेंसेस उसी टारगेट पे रहें जो पिछली टारगेट जो पिछले साल थी और वो भी कोरोना के होने के बावजूद तो मैं मैं खास तौर पे उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को शुक्रिया अदा करता हूँ जो ये रेमिटेंस भेज रहे हैं जो काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं अपने फैमिलीज़ के लिए पैसे यहाँ भेज रहे हैं मैं उन पाकिस्तानियों का भी आखिर में मोहित यूसुफ साहब को देने से पहले आखिर में उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो यू ए में है सऊदी में है कतर में है मलेशिया में है, अमेरिका में भी हैं जिन जो हर इंसान ने दूसरे इंसान के अपने पाकिस्तानी भाइयों बहनों की मदद की हर एक कमेटी मेंबर जो हमने ओवरसीज़ में भी, भी कमेटीज़ बनाई और जो पीटीआई के भी जो कमेटीज़ हैं उन्हें जो तकलीफ दे वक्त में राशन रेंट मुफ्त के टिकट्स जिनने भी बांटे हैं मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और ख़ास तौर पे उन ऑर्गेनाइजेशंस का जो अमेरिका में सऊदी अरेबिया में यू में जो हमारे ओवरसीज़ डाइस्ट्रा के हैं जिनने बहुत ज़्यादा मदद की हमारे मजबूर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज पे जिनको जिनको बहुत तकलीफ़ दे वक्त गुजारना पड़ा मैं उनके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ तो ये अपडेट हमें देनी थी मैं वापस मोहित यूसुफ साहब को आ, देता हूँ शुक्रिया जी मैं इसको आ, सिर्फ सारे कुछ आ, खुलासा दे दूँ ताकि इसमें कोई और वजाहत की ज़रूरत ना रहे पहले तो मैं भी जैसे हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में करता रहा हूँ दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ जिस तहमल से समुंदर पार पाकिस्तानियों ने काम लिया है मैं सूबों का भी बहुत शुक्रगुजार गुज़ार हूँ क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा हमें वक्त ज़रूर लगा लेकिन तमाम फ़ैसले मुशावरत से कंसेंसस से हुए और ये भी जो फ़ैसला है हमने आपको मालूम है कि पहले टेस्टिंग जारी थी करंतना ख़त्म किया था पिछले दो हफ्ते में सूबों ने हमें तहरीर तहरीरी तौर पर तमाम सूबों ने रिक्वेस्ट की कि हम इस नई पॉलिसी पर जाएं हमारा पहले से ये ख्याल था और पहले उनके कुछ तहफ़ात थे वो दूर हुए और अब अलहदुल्लह हम इस नई पॉलिसी पर चले गए ये मैं वाजे कर दूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर अभी भी ये रिपेट्रिएशन फ्लाइट्स हैं पाकिस्तान नॉर्मल पे नहीं गया है जो हमारी प्री करोना करोना से पहले जितनी परवाजें आती थी बुखारी साहब ने आपको बताया उससे 25 फीसद के करीब आएंगी उससे ज़्यादा नहीं ये भी नंबर बहुत बड़ा है इसके मुताबिक भी हम चालीस से पैंतालीस हज़ार लोग बीस तारीख के बाद से लाना शुरू कर देंगे 20 तारीख को इस पॉलिसी का इतलाक होगा तब से ये शुरू होगी रिपेट्रिएशन फ़्लाइट्स में इसलिए कह रहा हूँ जो इन्होंने कहा अगर आपको पाकिस्तान आने की वाकई ज़रूरत नहीं है अगर कोई ऐसा मसला नहीं है आप कहीं और मुकीम हैं मुसलसल तो प्लीज़ अभी गुरेज कीजिए ट्रैवल से क्योंकि अभी इन्वायरमेंट ऐसी है कि हम ये नहीं कह सकते कि दो तीन हफ़्ते बाद क्या होगा लेकिन बहरहाल चालीस से पैंतालीस हज़ार लोग और शेड्यूल्ड फ़्लाइट्स एक बहुत मसला पैसेंजर्स को आ रहा था कि हम दस दस दिन का पाँच पाँच दिन का सिर्फ दे पा रहे थे शेड्यूल अब तमाम एयरलाइने उड़ेंगी वो जिस तरह अपने हसब मामूल शेड्यूल देती हैं वो देंगी आ, पच्चीस फीसद कैपेसिटी पे यानी कोई चालीस से पैंतालीस हज़ार लोग लगभग दो दो सौ, दो सौ दो सौ पच्चीस दो सौ पचास फ्लाइट्स उसके मुताबिक बीस तारीख़ से इनशा आप लोगों को हम वापस लाएँगे आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया मैं दोबारा से मशकूर हूँ समुंदर पार पाकिस्तानियों का सूबों का और ख़ासतौर पर वज़ी अजम साहब ने यह जो कल फैसला किया है उसके बाद ये मुश्किल इनशाला आपकी हल हो जाएंगी बहुत शुक्रिया वज़ी अजम